friends, I am Vinayak here from Nature Matters, back again in our next episode in the series of eco-friendly Ganesh festivals. Today we have with us Mr. Satish Kolvankar. Satish ji ne initiative leke last year Vile Parle mein Swachh Parle Abhiyan antargat ek Ganesh festival composting initiative project undertake kiya tha aur wo kafi successful hua tha. To aaj main unhi ke saath Vile Parle ke Savarkar Udyan mein hu jahan pe ये पूरा कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट चला था. वेलकम सतीश जी. धन्यवाद टू आवर यू नो यूट्यूब चैनल. आप बताइए कि लास्ट ईयर ये क्या प्रोजेक्ट था. अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ कि करीबन 10 टन के ऊपर निर्मल्य यहाँ महानगर पालिका की तरफ से और इंडिविजुअल लेवल पे भी आ गया था. निर्मल ने माने जो फ्लावर ऑफरिंग, फ्लावर्स जो भगवान के लिए दिए जाते हैं, बाद में ज्यादा करके लोग फेंक देते हैं समुद्र में या जी हाँ, तो वो समुद्र में फेंकने नहीं चाहिए. वही निर्मल्य का या फ्लावर ऑफरिंग का हम अच्छी तरह से खाद बना के, वो भी एक गणपति प्रसाद है ऐसा समझ सकते हैं, और वो अच्छा खाद होता है, वो हम झाड़ के लिए लगा इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन उसमें काफ़ी बड़े पैमाने में प्लास्टिक था, वो निकालने में हमारा काफ़ी समय गया. मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन 80% ऑफ द लेबर एंड टाइम वॉज वेस्टेड इन सेग्रीगेटिंग द मटेरियल, और उसमें से 10 टन में से करीबन 4 टन ये प्लास्टिक निकल गया था. बाप रे, हाँ, इतनी ज़्यादा मात्रा. और तो 6 टन का हमने खाद बनाया, और करीबन मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार किलो का अच्छी तरह से खाद पैदा हो गया. महानगर पालिका ने वो झाड़ के लिए इस्तेमाल किया, तो काफ़ी अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो गया. मेन थिंग क्या है कि इसमें बदबू नहीं आता है, ये लोगों को अभी समझ में आ गया है. यदि हम अच्छी तरह से करेंगे, आजू बाजू के लोगों को भी वो समझ में आ गया कि इसमें बदबू नहीं आती है. एक साल भर यहाँ लोग अपना अपना निर्मल्य जो पैदा होता था वो घर से इधर डाल रहे हैं. हम ऐसा हमेशा चाहते हैं कि निर्मल्य अलग रखा जाए और उसमें प्लास्टिक या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए. उस निर्मल्य में प्लास्टिक जैसी चीज़ें काफ़ी कम है. लेकिन लोग और मंडल जो है उन तक पहुँचने के लिए ये साल क्या विशेष प्रयोजन, काफ़ी तैयारियाँ महानगर पालिका ने भी की है. उन्होंने एक पत्रक बनाया है, हाँ, और वो पत्रक हर मंडल को उन्होंने दे दिया है कि हाँ, हमने लास्ट ईयर किया था वैसे हमें इस साल भी करने वाले हैं, तो आप निर्मल्य अलग रखें और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अलग रखें, ताकि वो वहाँ से उठा के यहाँ लेके आएंगे, ऐसा बताया गया है. स्वच्छ पाले अभियान की तरफ से भी हम हर शॉप में ये बताने वाले हैं. आप देख रहे हैं कि इस साल करीबन 1-1.5 महीने पहले ही सब इस्तेमाल इंतजाम हो गया है, और उस समय हमें एक दिन पहले भागदौड़ करके बनाया पड़ रहा था, तो फ़र्क हो रहा है, तो ये बदलाव हो रहा है. और इस साल हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्लास्टिक अलग करने के लिए इतना प्रयास नहीं होगा, और काफ़ी आसानी से हम ये हमारा जो प्रकल्प है अच्छी तरह से कर सकते हैं. सो जैसे कि अभी आपने सतीश जी से सुना कि ये साल भी बड़े बड़े जोशों से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है. काफ़ी सारा स्वच्छ पार्ले अभियान के वॉलेंटियर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो हम भी ज़रूर इसका प्रोग्रेस आपको आगे वाले कुछ एपिसोड्स में रिपोर्ट करेंगे. अगर आप विले पार्ले एरिया में रह रहे हैं तो ज़रूर ये प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कीजिए. अपने मंडल को या अपने घर में गणपति होगा तो निर्माल्य और अलग कीजिए, और उसमें से प्लास्टिक और जो अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रहता है वो अलग कीजिए, और सावरकर उद्यान में आप वो मटेरियल कंपोस्टिंग के लिए ज़रूर ला सकते हैं. थैंक यू अगेन फॉर यू नो जॉइनिंग अस, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.